चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगाए हुए हैं। बीजेपी जहां 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। इस बीच राजस्थान ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य में राजस्थान रुकावटें पैदा कर सकता है। राजस्थान में मौजूदा चुनावी माहौल को देखें तो राजस्थान में राजपूत रविंदर सिंह भाटी और राजकुमार रोत यानी कि ये तीन RRR बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इन तीनों का राजस्थान में अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर बड़े से बड़े नेता खौफ में है, खासकर बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है। दरअसल बाड़मेर में छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी ने और बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने अपने नामांकन के दिन जो भीड़ जुटाई है, उससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर मिल रही है। बाड़मेर और बांसवाड़ा कहने के लिए दो सीट है, लेकिन इनका असर कई सीटों पर पड़ सकता है। बाड़मेर में रविंदर सिंह भाटी से हुए डैमेज को कंट्रोल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के अन्य सितारे जैसे योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह भी मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्मी सितारों को भी बाड़मेर में उतारने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी इस तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रही है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं, वो इस सीट से सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। चौधरी के मुकाबले कांग्रेस ने RLP से आए उमेदा राम को उतारा है, लेकिन बीजेपी की टेंशन कांग्रेस नहीं बल्कि युवा नेता रविंदर सिंह भाटी है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। भाटी के भारी जन समर्थन को देख बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। बता दें कि भाटी इसी साल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। मात्र 26 साल के इस युवा ने पहले शिव विधानसभा सीट से बीजेपी से टिकट मांगी थी। टिकट नहीं मिलने पर स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच आए। बाड़मेर संसदीय सीट के लगभग 18.5 लाख वोटर्स में से जाटों के साथ राजपूतों का दबदबा भी है। संसदीय क्षेत्र में 16.59% SC और 6.77% ST आबादी है। यहाँ 4.5 लाख जाट, 3.5 लाख राजपूत, 4 लाख SC ST, 3 लाख अल्पसंख्यक और बाकी दूसरी जातियों के वोटर्स हैं। वहीं बाड़मेर में कांग्रेस का प्रत्याशी भी जाट है। रविंदर सिंह भाटी के अकेले राजपूत होने के चलते राजपूत वोट उनके खाते में जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। अब बात करते हैं बांसवाड़ा सीट की। 2023 के विधानसभा चुनावों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में 3 सीटें जीतकर BAP ने बीजेपी के लिए खतरे के संकेत दे दिए थे। अब लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। BAP ने विधायक राजकुमार रोत को यहां प्रत्याशी बनाया है। हालिया विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने थे। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय भी राजस्थान की ट्राइबल बेल्ट के सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन जब से भारत आदिवासी पार्टी ने यहां जड़े जमाई है, किसी भी बड़े चेहरे की जगह अब इस पार्टी की सुनवाई हो रही है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर मालवीय और रोत जो जीतेगा, वही राजस्थान में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा होगा। यहां पर कठिन मुकाबला देखकर माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां से प्रत्याशी नहीं उतारने वाली है और अपना सपोर्ट बीजेपी को दे सकती है। तीसरी परेशानी राजस्थान में बीजेपी के लिए राजपूतों के वोट है। गुजरात में सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद राजपूतों की नाराजगी की खबरें हैं। दरअसल रूपाला के राजपूत महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी की ओर से राजपूत समाज को अनदेखा करने के विरोध में राजपूत कर्णी सेना ने राजस्थान में भी विरोध शुरू कर दिया है। क्षत्रिय समाज ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को घेरने की रणनीति बना ली है। खास बात यह है कि राजस्थान में इसकी शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की सीट चित्तौड़गढ़ से की गई है। ऐसे में गुजरात में लगी आग राजस्थान समेत पूरे देश में फैलने की आशंका जताई जा रही है। यदि नामांकन से पहले रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो इसका विरोध बीजेपी को सभी जगह झेलना होगा। ऐसे में राजपूत वोट बैंक में सेंध लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
खैर इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की